तो दोस्तों आपने देखा कि कुछ इस तरह से आपको अपना जो फैक्ट्री रिसेट करना है, अगर Redmi Note 7S या Redmi Note की कोई भी सीरीज वाला स्मार्टफोन है तो इस तरह से आपको फैक्ट्री रिसेट करना है, क्योंकि इसका ऑप्शन आपको सेटिंग में नहीं दिखाई देता और नहीं मिलता। यहाँ पर आपको जो पावर का बटन है और जो वॉल्यूम इंक्रीज का बटन है वो दोनों एक साथ दबा के 20 सेकंड तक आपको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक मैं प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी गलतियाँ की मैंने, जैसे कि आपने पावर का बटन और वॉल्यूम डिक्रीज का बटन दबा के रखा है तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, तो आप डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक जाता नहीं है। इसके लिए दोबारा से आपको केवल पावर का बटन 20 सेकेंड तक दबा के रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ये फास्ट बूट जो दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा और दोबारा से ये रीस्टार्ट होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग डर जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी देर रखा रहता है और फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं होता। तो दोबारा से पावर का बटन दबा देना अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो, और उसके बाद छोड़ देंगे तो दोबारा से रिबूट होके आपका फ़ोन जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में आ जाएगा। अब आपको दोबारा से प्रोसेस चालू करनी है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सही तरीका क्या है। आपको पावर का बटन तो आपने देखा ही होगा, पावर का बटन और वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन जो ऊपर की तरफ होता है दोनों एक साथ दबाना है और 20 सेकंड तक दबा के रखना है। उसके बाद आपको केवल पावर का बटन वाला उंगली छोड़नी है और जब ये ऑप्शन आ जाए तो वॉल्यूम का बटन वाला उंगली भी हटा दीजिए। उसके बाद आप वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज का जो बटन है उससे आप ऊपर नीचे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो ऑप्शन आपको क्लिक करना है पावर के बटन को दबा दीजिए तो वो ऑप्शन अपने आप एंटर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज से, अब मैंने ये वाइप डाटा से फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा आपका ये सिस्टम। आपका जो फ़ोन है फैक्ट्री रिसेट करने के लिए रिबूट मत करिए, रिबूट का मतलब है फिर से आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। वाइप डाटा करेंगे तो वाइप डाटा सेलेक्ट कर लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज के बटन से, और उसके बाद आपको पावर का बटन दबाना है। पावर का बटन दबाते ही वाइप डाटा एक्टिवेट हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है फैक्ट्री रिसेट यानी न्यू कंडीशन जब आई थी सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, एसडी कार्ड को छोड़कर। अगर आपने फ़ोन में एसडी कार्ड लगा रखा है तो उसका डेटा बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा, तो फ़ोन का सारा चीज़ वाइप डाटा हो जाएगा। अब देखिए मैं इसे नीचे करता हूँ, वाइप डाटा पर ला के वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज से आपको ऊपर नीचे ऑप्शन ले जाना है और बैक में भी जाने का जो ऑप्शन आएगा इसी से आएगा। तो वाइप डाटा पर लगाया और मैंने ये पावर का बटन एक बार क्लिक कर दिया, दबा के नहीं रखना है, क्लिक कर दिया तो एक दूसरा ऑप्शन आ गया। इसमें एक है पीछे जाने का मेन्यू और वाइप ऑल डाटा, तो ये भी सेलेक्ट जो करना है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज वाले बटन से करना है, और उसके बाद जो सिलेक्शन हो गया नीले कलर का आप पावर का बटन दबा दीजिए और यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, कंफर्म कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है वो फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा यानी न्यू कंडीशन में जैसा फ़ोन आता है बिल्कुल खाली हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आ गया डाटा वाइप सक्सेसफुली, इसका मतलब है फ़ोन रिसेट फैक्ट्री रिसेट हो गया आपका। अब इसके बाद आपको फिर से बटन दबाना है पावर वाला जिससे आप पीछे चले जाएं, और अब रिबूट का ऑप्शन आ गया। रिबूट के ऑप्शन पे क्लिक करके रिबूट टू सिस्टम को सेलेक्ट करके पावर का बटन दबा दीजिए। अब आपका फ़ोन जैसे आप फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं वैसे ही ये अपने आप होगा। अब इसके बाद आप अपनी सारी जो सेटिंग है, जो मेल आईडी है, न्यू फ़ोन में जो सेटिंग होती है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वीडियो में मैंने परेशानी जो आती है वो भी बताया है, उसका भी हल और फैक्ट्री रिसेट का सही तरीका भी बताया है। आपको अपनी दोनों उंगली से पावर वॉल्यूम इंक्रीज का बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के 20 सेकंड तक रखना है जब तक कि ये ऑप्शन ना आ जाए। जैसे ही ऑप्शन आता है तो पहले पावर का बटन वाला उंगली हटा दीजिए और उसके बाद में वॉल्यूम इंक्रीज का उंगली हटा दीजिए। उसके बाद आपको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज से सेलेक्ट करते रहेंगे तो आप ये काम कर पाएंगे। ये एकदम बिल्कुल फ़ोन न्यू हो गया। अब आप देख लीजिए खुद ही कि जब फ़ोन न्यू होता है या फैक्ट्री रिसेट होता है तो जो आपकी इंटरनल मेमोरी में जो जगह होती है
इंटरनल मेमोरी में जो जगह होती है वो बहुत ही कम स्पेस फोन ने लिया होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको 10 से 15 दिन यूज करेंगे तो बहुत सारा स्पेस ले लेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी जो एप्स हैं उसमें अपनी लॉगिन आईडी, फेसबुक, ये सारी चीज़ खोल लेंगे, तो वो जो इंटरनल मेमोरी है उसमें जगह घिरती जाती है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ोन हो गया बिल्कुल नई कंडीशन में। अब आप देख लीजिए, मैं ले चलता हूँ आपको फ़ोन मेमोरी में, वहाँ दिखाता हूँ कितना स्पेस है अभी, जबकि मैंने कोई भी ऐप्स अभी टच नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन 2 4 दिन 10 दिन यूज करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेगा। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ फ़ोन उठा के। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को शेयर करें, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में, मैंने एक लिंक दे रखा है जिसमें आप मेगा गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं एक HP का लैपटॉप।